नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव बिल्डर में। आप लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जा रहा है और लाइक किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। आप इस तरह अपना प्यार बनाए रखें। बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का टॉपिक है घर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। बहुत से लोगों ने यह टॉपिक या फिर इस कंटेंट के लिए बहुत सारी वीडियो बनाई होंगी, लेकिन आज हम आपको फुली सेटिस्फैक्शन इस वीडियो के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन दे के करवाएंगे कि आपको आपके घर की ऊंचाई कितनी रखनी होगी। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है दोस्तों कि आपकी चॉइस क्या है, आप जो है किस तरह से अपना घर बनाना चाहते हैं। कुछ लोग फॉल सीलिंग कराना चाहते हैं, डाउन सीलिंग करवाना चाहते हैं, या फिर उसमें झूमर वगैरह जो है वो ऐड करना चाहते हैं, बहुत सारी जो है डेकोरेशन करना चाहते हैं, एलिवेशन बनाना चाहते हैं। तो उन सभी भाइयों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको आपके घर की ऊंचाई जो है वो 11 फीट से कम नहीं रखनी है। अगर आप एक सिंपल हाउस बना रहे हो जिसमें फॉल सीलिंग नहीं है, या फिर आप कह लीजिए कि आपको झूमर वगैरह उसमें ऐड नहीं करने हैं, या फिर आपको डाउन सीलिंग ये वो सब कुछ नहीं करना है, सिंपल POP या फिर आपको PVC पैनलिंग करनी है, तो आप 10 से 11 फीट इसकी हाइट रख सकते हो। लेकिन अगर फॉल सीलिंग जो है आपको बीम वगैरह हाइड करने हैं, या फिर आपको तो 11 फीट रखनी ही होगी कम से कम, ये आप बात समझ लीजिए। लेकिन अगर आप उस चीज़ को अपने घर को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ मैं आपको कहूँगा कि आप जो है वो 12 फीट से कम ना रखें अपने घर की हाइट जो है। हाँ, आपके घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है बढ़ जाएगी, आपका खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन आपको 12 फीट जो अगर आप अपनी जो है वो अपने घर की ऊंचाई रखते हैं, तो आपको किसी तरह की भी दिक्कत नहीं आएगी। उसमें वेंटिलेशन बहुत अच्छी होगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आपने फॉल सीलिंग करवानी है, झूमर वगैरह ऐड करवानी है, अगर झूमर के हम कॉन्सेप्ट पे आ जाएं कि झूमर इस तरह की डेकोरेशन आपको करनी है, तब फिर आप जो है वो 13 फीट जो है इससे कम ना तो ऊँचाई रखनी होगी। 13 फीट आपको रखनी है जब आप झूमर या फिर इस तरह की कोई डेकोरेशन अपने घर में करना चाहते हैं। अगर आप फॉल सीलिंग करना चाहते हैं, आप जो है अपने घर की दूरी 12 से 13 फीट रख सकते हैं, 12 से कम नहीं रख सकते। और हो सके तो मैं एक बात आपको और ऐड करना चाहूँगा इस वीडियो में कि आपको जो है वो 13 फीट से ज़्यादा अपने घर की ऊँचाई नहीं रखनी है, क्योंकि बहुत बड़े जो हैं, लंबे जो हैं, वो ऊंचाई वाले जो हैं कॉलम भी घर के लिए ठीक नहीं रहते, और इतना हैवी ऊंचा स्ट्रक्चर भी ठीक नहीं रहता है अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग वे। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ज़रूर आप अपने जो है वो साइट इंजीनियर से या फिर आप जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह मशवरा लें। अगर मैं आपको कहूँगा कि आप जो है अपने घर की ऊँचाई जो है भी रखना चाहते हैं, और आप जो है अपने घर की ऊंचाई ज़्यादा तो रखना चाहते हैं, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बचाना चाहते हैं, तो मैं एक बात बता दूं आपको कि जब भी आप जो है वो अपना गैराज बनाते हैं, या फिर आप जो है जहाँ पे आपका वॉशरूम आएगा, बाथरूम आएगा, आप वहाँ उसका जो स्लैब है उसको डाउन रखें। डाउन रखने से क्या होगा कि आप जो है अपने, अगर आपका पार्किंग एरिया है आपके घर में, गैराज है, उसका स्लैब बिल्कुल नीचे कर दें। ऐसा होगा कि आपका ऊपर और नीचे का स्लैब अलग अलग आएगा, लेकिन उसमें से आपको होने वाला फ़ायदा ये है, आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होगी, और जो ऊपर जो आपका जो है वो आप किसी तरह के वॉशरूम बनाएंगे वो 1 फीट डाउन रहेगा अगर ऊपर वाले स्लैब से, तो उसमें जो है वो आपका जो वॉशरूम का पानी है वो जो बाहर नहीं आएगा वो डाउन रहेगा, और इन फ्यूचर आपको एक बहुत ही बेहतरीन जो है वॉशरूम मिलेगा। ऐसी कंस्ट्रक्शन करना आसान बात नहीं है, या फिर इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन अगर आप एक अच्छे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर को कह लीजिए, साइट इंजीनियर को हायर करते हैं, कुछ ज़्यादा पैसे या फिर कुछ अगर आपको किफ़ायती कंस्ट्रक्शन करवानी है, तो आपको इन सभी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इससे आपके पैसे बहुत ज़्यादा बच सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे आप सेव कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही आप जो है वो अच्छा घर बना सकते हैं। तो हमारे चैनल पे आपको इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अगर आप हमारे कमेंट बॉक्स में किसी तरह की भी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करते हैं, हम आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे, आपको उसके सोल्यूशन देंगे, और साथ ही साथ जो है आपके उस आपका जो कमेंट होगा वो कंटेंट पे वीडियो बनाएंगे, ताकि आप और आप
कि और भी भाई साथी या फिर जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं वो इन फ्यूचर इस तरह की प्रॉब्लम ना फेस करें। ऊंचाई पे बात हो रही थी, तो अगर आप जो है वो गैराज की, मैंने पहले बता दिया गैराज अगर है तो आप 8.5 फीट रख सकते हैं, उससे ज़्यादा रख के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ही बढ़ेगी और हमें उसके एडवांटेज नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर आपको जो है घर बनाना है जिसमें आपको फुल सीलिंग करवानी है, और तो आपको जो है उस सिचुएशन में आपको रखनी होगी 11 से 12 फीट। अगर आपकी नॉर्मल फॉल सीलिंग है तो आपको जो है वो 11 फीट रखनी है। अगर आपको बीम्स वगैरह हाइड करने होंगे तो आपको जो है वो 12 फीट से कम नहीं रखनी है। अब अगर आपको झूमर, मैंने पहले भी कहा झूमर या इस तरह की जो है वो डेकोरेशन आपको अपने घर में चाहिए, तो आप जो है वो कम्प्लीट हाइट जो है वो स्लैब के लिए 13 फीट रखें। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, ये हाइट जो है वो प्लिंथ लेवल फ्लोर एरिया से ऊपर तक की हाइट, छत तक की हाइट होती है अंदर से फ्लोर एरिया। और एक बात बताऊँगा कि आप अगर अपने घर में 10 फीट हाइट रख रहे हो तो बाद में फ्लोर एरिया में क्या होगा, फ्लोर एरिया जब 3 इंच जितना भी उठेगा फ्लोर एरिया नीचे से, क्योंकि उसमें टाइल डलेंगी या फिर उसमें मार्बल ग्रेनाइट डलेगा, तो वो जो है वो 3 से 4 इंच या फिर 2 से 3 इंच राइज होगा ऊपर की तरफ। तो इस सिचुएशन में आपको अपने घर में ऐसा करना है, इस सिचुएशन में आपको अपने वो 2-3 इंच जो है वो ऊपर बढ़ा के रखनी है। मान लीजिए आपने अपने घर की ऊंचाई जो है 11 फीट रखी, तो आपको पता है कि बाद में जो हमारा 2-3 इंच जो है उसमें से और भी आपका राइज होगा नीचे से आपका फ्लोर, क्योंकि उसमें टाइल्स लगेंगी, उसके नीचे कुछ आपकी फ्लोरिंग होगी किसी तरह की भी, तो वो ऊपर उठेगा। तो इसलिए आप जो है वो 11 फीट अगर अपने घर की ऊंचाई रख रहे हो तो आप जो है उसे इंक्लूड कर दें उसमें।